हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवीन ब्लॉग में। दोस्तों, आमतौर में मैं आपको बॉलीवुड अपडेट्स और स्पोर्ट अपडेट्स देता हूँ, थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग भी कर लेता हूँ। आज क्योंकि ब्लॉगिंग का ही है और ब्लॉगिंग यह है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ थोड़ा शेयर करूँगा मैं आप सभी को वीडियो, वो अपना कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ सुनाएंगे। और मैं चाहता हूँ कैमरामैन एक बार अपने स्टूडेंट की तरफ थोड़ा सा रुक करे और थोड़ा सा घुमा दे। और ये सारे स्टूडेंट हैं हमारे, वही सारे स्टूडेंट्स हैं। और मैं सभी से एक एक करके पूछूंगा कि वो क्या गाना सुनाएंगे या जोक्स सुनाएंगे या कोई कहानी सुनाएंगे, कोई रैप सुनाएंगे या कोई कविता या कोई काउंटिंग, कुछ भी, शायरी, कुछ भी सुना सकते हैं, सब कुछ अलावा है। और तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबका अपना अपना नाम पूछेंगे। मैं आप अपना नाम बताइए। श्वेता। इनका नाम श्वेता है। आपका नाम बताइए। रियांश। क्या? रियांश। इनका नाम रियांश है। आप अपना नाम बताइए। हर्ष महलदार। हर्ष महलदार। अपना नाम बताइए। नैना महलदार। नैना महलदार। आप अपना नाम बताइए। आयुष महलदार। आयुष महलदार। और आप अपना नाम बताइए। प्रतीक बसु। प्रतीक बसु नाम है इनका। और तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे नैना से। नैना, आप बताइए क्या सुनाएंगे हमें? रैप सुनाओगी? सुना दीजिए रैप। ठीक है। गीता में इतना ज़्यादा स्पेशल क्या है? गीता में स्पेशल है श्री कृष्णा, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं मैं विष्णु हूँ, मैं राम भी, ब्रह्मा का लू स्थान भी, मैं कृष्ण का सुदर्श चक्र, अर्जुन का मैं भी मानो तो मैं भगवान हूँ, और ना मानो शैतान भी, मैं ही भरता जान सब में ले लेता हूँ, प्राण भी मैं, महादेव शंकर भी हूँ, और मैं ही हूँ हनुमान भी, बेचैनी का कारण मैं, और मुझ में मिले आराम भी, मैं रात को शीतल चांद बनूँ और धूप को शुभ शाम की, कलयुग देख रूप मेरा अब देख मुझे पहचान, अभी ये धरती घूमे बल से मेरे आँखों में, सूरज जब चमके रहता भीतर सबके मन के पीछे, ने पैसे और धन के मैं रहता कड़कड़ में, परछाई जैसे दर्पण में, हर जीत जंतु की धड़कन में, और मृत्यु की दर्पण भी मैं, रावण को मारा मैंने, कंस के खींचे बाह, हिरण्यकश्यप फाड़ा मैंने, रूप लेके महान तुझको दिया जो एक मौका, बात ले मेरी मान, वरना रूप मेरा विराट देख के छोड़ जाएगा प्राण। थैंक यू। देखिए कितना बढ़िया, और एक रैप के साथ श्री कृष्ण का और गीता का ज्ञान दे दिया इन्होंने। और नैना के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां हो जाए। और अब बारी है हमारे हर्ष महलदार की। हर्ष महलदार, आप कुछ सुना दीजिए। क्या सुनाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, सुना दीजिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर वॉर, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ for peach, G for grass, S for hat, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for owl, P for kickoff, Q for kid, R for rose, S for sip, T for tiger, U for umbrella, B for bat, W for boss, S for empty, Y for yak, Z for zebra। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया सुनाया इन्होंने। A to Z पूरा सब कुछ बहुत बढ़िया सुनाया आपने। देखा A for apple से लेके Z for zebra तक सुना दिया। और अब हमारे बीच में है रियांश गाइन। रियांश गाइन, आप क्या सुनाएंगे? 1 2 3 या ABCD? 1 2 3 सुना दोगे ना? हाँ, फिर एक मिनट, आपका नाम बताइए। नियांश। हाँ सुना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 13 14 बोलो। 13 14 15 16 17 18 19 20। और अब हमारे बीच है श्वेता। श्वेता, आप बताइए क्या सुनाएंगे आप? नहीं, आपकी बारी, आप बताइए। श्वेता, आप क्या सुनाएंगे? कोई सा भी शायरी। हाँ, कोई, आप क्या सुनाने वाली? शायरी। शायरी सुनाएंगे? कोई सा भी। आप पकड़ो इसको, आप सुना दीजिए। इनके सुनाओ। फोन में रिचार्ज ना हो तो चलाने में क्या मजा, कि फोन में रिचार्ज ना हो चलाने में क्या मजा, लड़कियों में एटीट्यूड ना तो पटाने में क्या मजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, शानदार। इन्होंने अपने एक शायरी सुनाया अपने मन मस्त अंदाज में। तो ये थी श्वेता और बहुत ही बढ़िया इन्होंने शायरी सुना। अब हमारे मल्टी टैलेंटेड मिस्टर आयुष मेलदार, जो कि मुझे लगता है कि रैप सुनाएंगे। हाँ रैप सुनाएंगे, और आइए और एक मिनट एंकल को और सुनो। पहले अपना नाम बताइए और शुरू कर दीजिए, आप क्या सुनाने वाले वही बताइए। मेरा नाम है आयुष मेलदार, मैं सुनाने वाला रैप। तो शुरू करते हैं। बाहर और बाहर सुमने कमरे में अकेला, अंधेरा वाला जाली मुझे सोने नहीं दे रहा। दो घंटे से लिखने की मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, अपने घर के अंदर घर बना के बैठा हूँ मैं डेरा। लाजिम नहीं है कुके चुके सुनू चुके बातें, पर मैं सुन लेता हूँ क्योंकि थोड़ा नलुंडो ठहरा। जाना तेरी यादें मुझे सोने नहीं देती, लेटे लेटे इस बिस्तर में कब जाता है सवेरा मुझे नहीं पता है। मुझे मत पूछो ना, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए सब खो दूंगा, पहले सब खो चुका हूँ। ओके काक कहूँगा, अकेले पर मैं लगता है पूरी रात रो दूंगा, पूरी याद में, असलियत के बाद में, पूरी याद में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आयुष के लिए, बहुत शानदार, जबरदस्त, एक बार जबरदस्त सुनाई। और अब हमारे कैमरामैन से पूछ कोई किया जाए, कैमरामैन मना कर रहे हैं। आयुष एक बार प्रतीक हाय तो कर दीजिए। हाय गाइस, अपना नाम बता दीजिए। तो मेरा नाम प्रतीक बसु है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए जी। और एक मिनट सभी एक जगह आ जाइए ताकि थंबनेल के लिए काम आ जाए। थंबनेल, थंबनेल के लिए आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अपना अपना स्टाइल दिखाइए, जबरदस्त जबरदस्त। इधर देखो, इधर इधर इधर, अपने अपने स्टाइल में। ये बस तो गाइस ये था एक सभी के साथ इन्फॉर्मेशन, और बच्चों के साथ हमने बहुत ही बढ़िया बढ़िया उनके उनसे पूछा, उनको क्या सुनाना चाहते हैं, उनके एक्टिविटी के बारे में जाना। इससे पता चलता है कि उनके मन में या उनके फ्यूचर्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है कि कौन किस तरफ जा रहा है। तो कोई शायरी सुना रहा है, कोई मतलब कोई एंटरटेनमेंट की दुनिया में जाना चाह रहा है, कोई नॉलेज की दुनिया में जाना चाहता है। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए, ताकि लोग ताकि बच्चों का जो मेंटेलिटी है वो बैलेंस रहे। अगर आपको हमारा ये बच्चों के साथ ब्लॉगिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जय हिंद जय भारत।